नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिसंबर के तीसरे सप्ताह की 27 बड़ी भर्तियों के बारे में। इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्तियों के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं, या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है, तो आज की भर्तियों के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में दे रखे हैं, आप लिंक वहां से ओपन कर लीजिएगा। और आइए बात कर लेते हैं इन सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की पहली भर्ती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और इसमें पोस्ट के नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास। इसमें 18 साल से 27 साल तक की एजमेंट है दोस्तों। इसमें वेरियस थाउजेंड्स में हजारों में वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है, तो आपको लेवल 2, लेवल 4 तथा लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में 100 रुपये फीस है। 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम तथा स्किल टेस्ट होकर इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। भर्ती नंबर 2 है NBCC इंडिया लिमिटेड की। इसमें इंजीनियर सिविल तथा इलेक्ट्रिकल की भर्ती होने जा रही है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों इस भर्ती के लिए बैचलर डिग्री। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 100 इसमें वैकेंसी है। सैलरी मिलेगी आपको 42,500, 500 रुपये इस भर्ती में फीस है दोस्तों। 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका भी लोकेशन ऑल इंडिया है दोस्तों। भर्ती नंबर 3 है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की, और इसमें भर्ती होनी जा रही है जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की, सुपरवाइजर सिविल, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, वेलफेयर ऑफिसर एंड अदर्स के दोस्तों इसमें भर्ती होनी जा रही है। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री या डिप्लोमा। इसमें 28 साल तथा 30 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 43 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी। इस भर्ती में 200 रुपये से लेकर 600 रुपये फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इस भर्ती में आपका एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन महाराष्ट्र है दोस्तों। भर्ती नंबर 4 है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इसमें टेक्नीशियन तथा ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती होनी जा रही है दोस्तों। इसमें ट्रेड के नाम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अदर्स। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा, ITI, 12वीं पास तथा ग्रेजुएशन। इसमें 18 साल से 24 साल तक एजमेंट है दोस्तों। टोटल 436 वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 19 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी लोकेशन हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश दोस्तों। भर्ती नंबर 5 है एडुकेशन डिपार्टमेंट की, और इसमें पोस्ट का नाम है प्री प्राइमरी टीचर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास तथा डिप्लोमा। इसमें 18 साल से 37 साल तक एजमेंट है दोस्तों। टोटल 8,393 वैकेंसी है। आपका पे स्केल होगा 10,300। इस भर्ती में 1,000 रुपये फीस है दोस्तों। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें एग्जाम या इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन पंजाब है दोस्तों। आज की भर्ती नंबर 6 है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की, और इसमें पोस्ट के नाम है ड्राइवर, पर्सनल सेक्रेटरी, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन एंड अदर्स। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा। इसमें 42 साल और 50 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। लेवल 4 तथा लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों। इस भर्ती में 250 रुपये से लेकर 1,000 रुपये फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें रिटर्न टेस्ट होगा तथा स्किल टेस्ट होगा। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई करना है और इसका लोकेशन पालवल, हरियाणा है दोस्तों। भर्ती नंबर 7 है टाटा मेमोरियल सेंटर की, और इसमें पोस्ट के नाम है फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड अदर्स। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री। इसमें दोस्तों 25 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल तक की एज लिमिट है। टोटल 37 वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आपको इस पर रूल दी जाएगी। इस भर्ती में 300 रुपये फीस है। 20 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना दोस्तों। इसका लोकेशन वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश है
दोस्तों भर्ती नंबर 18 है हाई कोर्ट की, और इसमें पोस्ट के नाम है टाइपिस तथा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है, सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में ₹150 से लेकर ₹300 फीस है दोस्तों। 19 दिसंबर 2020 इसका लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन गुवाहाटी यानी कि आसाम है दोस्तों। भर्ती नंबर 9 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की, और इसमें पोस्ट के नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक सर्विसमैन, ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें 30 साल तथा 35 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 44,900 से लेकर 1,75,500। इस भर्ती में ₹100 फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम या इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना दोस्तों। इसका लोकेशन देहरादून यानी कि उत्तराखंड है दोस्तों। भर्ती नंबर 10 है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और इसमें पोस्ट के नाम है क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, हवलदार, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंजीनियर एंड अदर्स। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और ITI। दोस्तों इसमें 18 साल से 45 साल तक एज लिमिट है। 290 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 5,910 से लेके 34,800। इस भर्ती में ₹120 से लेके ₹360 फीस है। 20 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम होगा तथा स्किल टेस्ट होगा, और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। भर्ती नंबर 11 है पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल तथा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा। इसमें 18 साल से 37 साल तक की एज लिमिट है। 85 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। आपका पे स्केल होगा ₹35,400। इस भर्ती में ₹1,125 से लेकर ₹1,750 फीस है। 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम होगा, और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन पंजाब है दोस्तों। भर्ती नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इसमें पोस्ट के नाम है असिस्टेंट मैनेजर तथा जूनियर मैनेजर। इसमें वेरियस डिसिप्लिन की वैकेंसी दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। इसमें 18 साल से 44 साल तथा 21 साल से 44 साल तक एज लिमिट है। 341 इसमें वैकेंसी दोस्तों। आपके पे स्केल होगा ₹25,000 से लेके ₹1,12,000। इस भर्ती में ₹400 से लेके ₹800 फीस है। 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें CBT होगा, और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन गुवाहाटी है दोस्तों। भर्ती नंबर 13 है NSPC लिमिटेड की, इसमें ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। इसमें ट्रेड के नाम है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सिविल तथा IT। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर और अदर ट्रेड की दोस्तों इसमें भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, ITI डिग्री तथा डिप्लोमा। इसमें दोस्तों कम से कम एज 14 साल होनी जरूरी है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 17 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन मणिपुर है दोस्तों। भर्ती नंबर 14 है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, और इसमें पोस्ट के नाम है LDC, UDC, स्टोर कीपर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, अकाउंटेंट एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री तथा डिप्लोमा। इसमें 28 साल, 30 साल, 33 साल, 35 साल और 40 साल तक की एज में दोस्तों। 45 इसमें वैकेंसी है। आपका पे स्केल होगा 5,200 से लेके 39,100+ ग्रेड पे आपको मिलेगा। इस भर्ती में ₹250 से लेके ₹2,000 फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन नई दिल्ली है दोस्तों। भर्ती नंबर 15 है कमिंसरेट ऑफ हायर एजुकेशन की, और इसमें पोस्ट का नाम है अध्यापक सहायक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, वेरियस सब्जेक्ट की दोस्तों इसमें भर्ती है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों इस भर्ती के लिए मास्टर डिग्री विद NET। इसमें दोस्तों जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो CME के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। टोटल 780 वैकेंसी दोस्तों। आपका पे स्केल होगा ₹40,175 दोस्तों। इस भर्ती में ₹100 से लेकर ₹250 फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन गुजरात है दोस्तों। भर्ती नंबर 16 है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोनो टाइपिस्ट एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन। इसमें 18 साल से 40 साल तक एज लिमिट है। 258 इसमें वैकेंसी दोस्तों। सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में ₹250 से लेकर ₹500 फीस है। 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें रिटर्न एग्जाम या स्किल टेस्ट होगा तथा स्किल टेस्ट होगा, और इस भर्ती के लिए आपको
ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश है। दोस्तों भर्ती नंबर 17 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की और इसमें पोस्ट का नाम है लो डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड अदर्स। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास या बैचलर डिग्री। इसमें 18 साल से 27 साल, 30 साल और 56 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों इसमें 20 वैकेंसी है, आपका पे स्केल होगा 19,900 से लेके 21,214,100। दोस्तों इस भर्ती में 250 रुपये से लेके 500 रुपये फीस है। 15 दिसंबर 2020 इसके लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन नई दिल्ली है। दोस्तों भर्ती नंबर 18 है नगर विकास तथा आवास विकास की और इसमें पोस्ट के नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। इसमें 55 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों 32 इसमें वैकेंसी है। सैलरी मिलेगी आपको 22,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये। इस भर्ती में 100 रुपये से लेके 400 रुपये फीस है। दोस्तों 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन पटना यानी कि बिहार है। दोस्तों भर्ती नंबर 19 है बैंक ऑफ इंडिया की और इसमें पोस्ट के नाम है सिक्योरिटी ऑफिसर एंड फायर ऑफिसर। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें 25 साल से 40 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों टोटल 21 वैकेंसी है, आपका पे स्केल होगा 31,700 से लेके 45,950। दोस्तों इस भर्ती में 175 रुपये से लेके 850 रुपये फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा दोस्तों, या दोनों होंगे। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन मुंबई तथा ऑल इंडिया है। दोस्तों भर्ती नंबर 20 है CEIL की यानी कि सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की दोस्तों, और इसमें पोस्ट के नाम है HR ऑफिसर, इंजीनियर तथा सीनियर इंजीनियर की वेरियस डिसिप्लिन की दोस्तों इसमें भर्ती होने जा रही है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या MBA। इसमें 30 साल, 32 साल, 35 साल और 40 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों टोटल 109 वैकेंसी है। ज़्यादा सैलरी की बात है तो आपको 41,250 रुपये से लेकर 62,250 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा। इस भर्ती के लिए आपको ईमेल से अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन मुंबई, दिल्ली तथा ऑल इंडिया है। दोस्तों भर्ती नंबर 21 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और इसमें पोस्ट का नाम है प्रोसेस सर्वर तथा पियोन। इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8वीं पास या 10वीं पास। इसमें 18 साल से 42 साल तक एज लिमिट है। इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों। आपका पे स्केल होगा 16,900 से लेके 52,500। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन रोहतक यानी कि हरियाणा है। भर्ती नंबर 22 है दोस्तों सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और इसमें पोस्ट के नाम है क्लास 4th, डिपो असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, फील्ड सुपरवाइजर, असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड अदर्स। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन। इसमें 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 1,997 इसमें वैकेंसी है। आपको लेवल 1, लेवल 2 तथा लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में 350 रुपये फीस है दोस्तों। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन JNK है। दोस्तों भर्ती नंबर 23 है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की और इसमें पोस्ट के नाम है क्लास 4th, ग्रेड 4th तथा ड्राइवर की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8वीं पास या 10वीं पास। इसमें 18 साल से 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 50 इसमें वैकेंसी है। आपका पे स्केल होगा 14,000 से लेके 60,500 प्लस आपको ग्रेड पे मिलेगा दोस्तों। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 16 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन गुवाहाटी यानी कि असम है। दोस्तों भर्ती नंबर 24 है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, डिप्लोमा तथा BSc। इसमें 18 साल से 26 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। आपका पे स्केल होगा 25,000 रुपये से लेके 1,05,000। इस भर्ती में 150 रुपये फीस है दोस्तों। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा तथा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन हल्दिया रिफाइनरी है। दोस्तों भर्ती नंबर 25 है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल तथा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इस भर्ती में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा। इसमें 18 साल से 37 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। 85 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में 1,125 रुपये से लेकर 1,750 रुपये फीस है। 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन पंजाब है।
भर्ती नंबर 26 है दोस्तों, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की, और इसमें पोस्ट का नाम है सहायक। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आरटी पास। इसमें दोस्तों 18 साल से 52 साल तक एज लिमिट है। 48 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। आपका पे स्केल होगा 12,400 से लेके 47,400 प्लस ग्रेड पे 4,500 रुपये। इस भर्ती में 250 रुपये से लेके 500 रुपये फीस है। 18 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन आसाम है दोस्तों। भर्ती नंबर 27 है, CHMO के ऑफिस है, और इसमें पोस्ट के नाम है क्लास 4 सिक्योरिटी ऑफिसर, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट तथा मेडिकल ऑफिसर्स। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 5वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री दोस्तों। इसमें 18 साल से 64 साल तक एज लिमिट है। 49 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी मिलेगी आपको 10,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक। इस भर्ती में 100 रुपये से लेके 400 रुपये फीस है। 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा दोस्तों, और रिटर्न एग्जाम तथा इंटरव्यू दोनों होंगे दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ईमेल से अप्लाई करना है और इसका लोकेशन भाटापारा यानी कि छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों ये था सौ डिटेल आज की 27 बड़ी भर्तियों का। इन केस आप इन भर्तियों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।